Hi everyone, so today we will discuss wale Newton's Coding Challenge June 2022 ka problem swap function. Also, before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such videos. As always, let's start by understanding the question swap function. You are given a permutation p of size n. In other words, you are given an array p of size n whose elements are all the integers from 1 to n in some order. ठीक है क्या बोला गया है कि हमें एक पम्यूटेशन पी दिया गया है जिसकी साइज क्या है एन और पम्यूटेशन पी का क्या मतलब कि हमारे पास एक एरे है ऑफ साइज एन ठीक है जिसमें कि सारे के सारे इंटीजर्स है फ्रॉम वन टू एन ऑल इंटीजर्स फ्रॉम वन टू एन इन समर इनका कुछ ऑर्डर हो सकता है मतलब कि इनका कुछ पॉम्यूटेशन हो सकता है बेसिकली वन से लेकर एन तक जितने भी इंटीजर्स हैं उनका पम्यूटेशन ठीक है ओके यू आर ऑल्सो गिवन एन एरेसी कंजिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल्सो ऑफ साइज एन ठीक है इसके अलावा हमें एक एरे सी भी दिया गया है जिसकी साइज भी एन है और इसमें क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है ओके एडिशनली यू आर गिवन केक्वल टू बी आई ठीक है इसके अलावा हमें क्या दिया गया है हमें के पेयर ऑफ इंटीजर्स दिया गया है और जो आइथ इंटीजर है वो क्या है ए आई बी आई और कंस्ट्रेंट्स क्या है कि ए आई और बी आई की वैल्यू वन और एन के बीच में है और ए आई इज नॉट इक्वल टू बी आई ठीक है यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबली जीरो तो नीचे एक हमें ऑपरेशन दिया गया है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स मे बी जीरो मे बी वन मे बी एन मे बी टू एन एनी नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है एन इंटीजर आई सच दैट आई इज़ बिटवीन वन एन के एन स्वेप पी ए आई एंड पी बी आई ठीक है तो ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या है कि कोई भी एक इंटीजर आई सिलेक्ट करो सच दैट आई जो है वो वन और के, के बीच में हो क्यू बिकॉज देर आर के नंबर ऑफ पेर ए आई एंड बी आई और पी ए आई और पी बी आई को क्या करना है स्वैप करना है ठीक है इसका मतलब मान लो हमारा एरे है वन थ्री फोर टू ये परमिटेशन पी है और एक पैर है वन कॉमा थ्री तो मैं P1 और P3 को एक्सचेंज कर सकता हूँ यूजिंग दिस ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा फोर थ्री वन टू इन दोनों को हमने एक्सचेंज कर लिया यूजिंग दिस ऑपरेशन और ऐसे हम कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं आउट ऑफ दी गिवन के पेयर्स ठीक है यूजिंग दिस गिवन के पेयर्स हम एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं आफ्टर यू आर सेटिस्फाइड विद दी ऑपरेशन यू हैव डन यू कैन डिफाइन दी वैल्यू ऑफ योर कॉम्पिटेशन टू बी समेन pi आई इन टू सी आई वेर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ योर पॉम्यूटेशन दैट यू कैन अचीव ठीक है क्या बोला गया है कि एक बार हम हमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो कर चुके हैं एंड वी आर हैप्पी विद द पॉम्यूटेशन बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या हो रहा है हमारा जो पम्यूटेशन है वो चेंज हो रहा है मतलब कि उनमें इंटीजर्स तो वंस है लेकिन तक ही है लेकिन उनकी पोजिशंस चेंज हो रही है सो वंस वी आर सेटिस्फाइड बाई दी बाई मेकिंग देश हम पॉम्यूटेशन की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ठीक है वैल्यू ऑफ पॉम्यूटेशन क्या है समेशन पी आई इन टू सी आई ठीक है पी क्या है पॉम्यूटेशन एरे सी एरे है और आई क्या है वन से लेके एन तक ठीक है तो ये हमारे पॉम्यूटेशन की वैल्यू हो गई तो हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉम्यूटेशन क्या अचीव हो सकती है अब वैल्यू क्यों वेरी कर रही है बिकॉज ये पॉम्यूटेशन हम वेरी कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो उससे ये ओवरऑल वैल्यू चेंज होगी ठीक है क्योंकि पम्युटेशन जो है वो चेंज हो रहा है तो पी आई इन सी आई का सम भी चेंज होगा तो ओवरऑल हम इसकी क्या मिनिमम वैल्यू अचीव कर सकते हैं वो बताना है ठीक है इनपुट किस तरह से दिया गया है इनपुट में फर्स्ट लाइन में है एन और के दैट इज साइज ऑफ द पम्यूटेशन एंड के इज द नंबर ऑफ पेयर्स ए आई एंड बी आई फिर नेक्स्ट लाइन में है पी आई मतलब कि पम्युटेशन एरे है एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सी आई है सी एरे है एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और उसके बाद के लाइंस में क्या है ए आई कॉमा बी आई दो इंटीजर्स है विच डिनोट कि हम पी ए आई और पी बी आई को एक ऑपरेशन में एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसके लिए ये के नंबर ऑफ इंटीजर पेर दी गई है ठीक है कंस्ट्रेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए है सो so, हमें बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉम्पिटिशन क्या हो सकती है आफ्टर परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस में बी जीरो आई होप क्वेश्चन क्लियर है अब इसके कंसेप्ट मूव करते हैं सो so, अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली जैसे कि हमें एक पॉमिटेशन एरे पी दिया गया है ऑफ साइज एन और एक सी एरे दिया गया है ऑफ साइज एन और हमारे पॉम्यूटेशन एरे बेसिकली क्या है जिसमें कि वन से लेकर एन तक के सारे इंटीजर्स है इन ऑर्डर ठीक है मतलब कि पॉमिटेशन ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स और सी एरे है जिसमें कि सब पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वैल्यू ऑफ पॉमिटेशन कैसे डिफाइन किया गया है वैल्यू ऑफ परम्यूटेशन डिफाइन किया गया है समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन पी आई इन टू सी आई और मुझे इसकी वैल्यू मिनिमाइज करनी है अब मिनिमाइज करनी है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये वेरी क्यों कर रही है ये वेरी इसलिए कर रही है क्योंकि जो पी एरे है उसमें मैं एलिमेंट्स की पोजिशन चेंज कर सकता हूँ वो कैसे हमें के पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं किस फॉर्म में है ए आई और बी आई और ए आई और बी आई की वैल्यू वन से लेके एन तक के बीच में है तो हम एक पेयर ऑफ इंटीजर्स को सिलेक्ट करके उन दो पोजीशंस पे जो एलिमेंट है पी ए आई और पी बी आई इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं स्वैप कर सकते हैं तो जैसे ही हम इसको स्वैप करेंगे ये जो पूरा एरे है वो चेंज हो जाएगा तो पी आई इन टू सी आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी ओवरऑल समेशन चेंज हो जाएगा अब समझ में एक क्लियर हो गया कि मिनिमम वैल्यू क्यों पूछ रहे हैं वेरी क्यों कर रहा है और इस तरह की हमें के पेयर्स दी गई है और हम कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं ठीक है थीके? ओके यहां तक क्लियर है अब एक बात समझो ये हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं करेंगे लेकिन अगर मुझे दो एरेस दिए गए हैं ठीक है थीके? मान लो अभी हमारे पास कुछ कंसेंट इस तरह से नहीं है हम एक एरे को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं मतलब कि एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते लेकिन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो अगर मुझे पूछा जाए कि उन दोनों एरेस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मैं पहले एरे के एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूं तो मिनिमम कब मिलेगा और मैक्सिमम कब मिलेगा फॉर एग्जाम्पल पी है वन टू थ्री और सी है वन टू थ्री ठीक है तो एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम ठीक है मिनिमम मुझे कब मिलेगा जब मैं एक को डिक्रीजिंग ऑर्डर में और एक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा और इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा बेसिकली एक एरे का मैक्सिमम वैल्यू दूसरे एरे के मिनिमम के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर एक एरे का सेकंड मैक्सिमम वैल्यू दूसरे एरे के सेकंड मिनिमम के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर थर्ड मैक्सिमम थर्ड मिनिमम के साथ एंड सो ऑन मतलब कि अगर पी मेरा वन टू थ्री है तो सी मेरा थ्री टू वन होगा या तो फिर पी को मैं क्या ले लूँगा थ्री टू वन और सी को क्या वन टू थ्री अगर हम ये मान के चले कि P को ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके? यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम कोई किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं अभी ये कंसेंट हमने नहीं लगाया तो थ्री प्लस फोर प्लस थ्री थ्री प्लस टू इंटू टू फोर प्लस थ्री दैट इज टेन और मैक्सिमम कब मिलेगा जब हम दोनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख के आपस में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके ऐड करें मतलब कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट के साथ फिर सेकेंड स्मॉलेस्ट को सेकेंड स्मॉलेस्ट के साथ एंड सो ऑन तो P इज इक्वल टू वन टू थ्री सी इज इक्वल टू वन टू थ्री वन प्लस फोर फाइव फाइव प्लस नाइन फोर्टीन दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो ये हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि हमें P को इस तरह से चेंज करना है कि C की जो भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मतलब कि सॉरी पी की कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको सी की कोई मिनिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड सोन so इस तरह से हमें कुछ करना है एक आइडिया हमें लग गया अब इसमें ये इंटीजर्स का कैसे रोल आएगा ये पेयर ऑफ इंटीजर्स का ये देखते हैं अब देखो यहाँ पे तो हमने ये कंसेंट निकाल दिया था कि ये पेयर ऑफ इंटीजर्स है हमने क्या ज्यूम किया था कि हम पी एर को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं तो जब ये मेरे पास आ जाएगा इसका मतलब मैं सभी इंटीजर मतलब कि किसी भी ऑर्डर में नहीं लगा सकता मैं इस Pair of को यूज करके ही ऑपरेशन परफॉर्म करके एरे एरेपी को चेंज कर सकता हूँ किसी ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकता तो एक बात समझो जब भी यहाँ पे pair of जाद, बहुत ज़्यादा दिए गए हो और उनमें एक्सचेंज करना पॉसिबल हो तो एक तरह से हम सोच सकते हैं कि ग्राफ जैसा कुछ होगा मतलब कि इन दोनों के बीच में मैं एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ इनके बीच में भी एक्सचेंज कर सकता हूँ ठीक है ये, ये ए आई बी आई है फिर ये किसी का ए आई है ये बी आई है एंड सो ऑन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है वन थ्री वन फाइव एंड थ्री फोर ठीक है तो ये वन ये थ्री ये थ्री ये फाइव और थ्री और फोर ठीक है तो इनमें मैं एलिमेंट्स चेंज कर सकता हूं अब मान लो मेरा एन इक्वल टू फाइव है और यहाँ पे ये चार एलिमेंट्स है और ये टू है और ये k इक्वल टू थ्री है मतलब मेरे पास तीन पेयर सी है तो एक बात समझो टू की वैल्यू को मैं इनके किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता मैं एक्सचेंज किन को कर सकता हूँ कि भाई ये दोनों चेंज कर लिए ये दोनों चेंज कर लिए ये दोनों चेंज कर लिए एंड सो ऑन फॉर एग्जाम्पल मुझे वन को यहाँ पे लाना है पहले इन दोनों को एक्सचेंज किया फिर इन दोनों को एक्सचेंज किया तो वन यहाँ पे आ जाएगा लेकिन मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे नहीं ला सकता क्योंकि उनके बीच में कोई पाथ ही नहीं है ठीक है तो एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया कि अगर ये जो के एन है उनको हम एज एजिस ऑफ द ग्राफ ट्रीट करें तो हमें जो भी ग्राफ मिलेगा उसमें जितने भी इंडिविजुअल कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे उन दो इंडिविजुअल कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बीच में हम एलिमेंट्स एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का ही मिनिमम ये निकालना पड़ेगा समेशन पी आई इंटू सी आई फिर दूसरे इंडिविजुअल कंपोनेंट का निकालना पड़ेगा फिर तीसरा तीसरे एंडसोन जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है सभी का पी आई इन सी आई समेशन निकालना पड़ेगा उनको मिनिमाइज करना पड़ेगा और उन मिनिमम वैल्यू को आपस में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में तो कोई एक्सचेंज हो ही नहीं सकता राइट ठीक है अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक इंडिविजुअल जो है कनेक्टेड कंपोनेंट्स उसका मिनिमम कैसे निकाले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं मान लो यहां पर एक और है सिक्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल तो ये क्या हो गया फोर एंड सिक्स अब मान लो मुझे पता है कि C3 है वो लार्जेस्ट है उसके बाद C6 है उसके बाद C5 है उसके बाद C1 है और उसके बाद C4 है ठीक है फॉर एग्जाम्पल तो मुझे पता है कि भाई सी थ्री लार्जेस्ट है तो वन थ्री फोर फाइव और सिक्स इनमें से जिसकी पी वैल्यू पी एर की वैल्यू मिनिमम होगी वो मैं ये थर्ड इंडेक्स पे लाके छोड़ दूंगा क्योंकि सी एर ए को तो हम चेंज नहीं कर सकते तो इनमें से जो मिनिमम होगी वो मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा फिर सेकेंड मिनिमम यहाँ पे थर्ड मिनिमम यहाँ पे फोर्थ मिनिमम यहाँ पे एंड फिफ्थ मिनिमम यहाँ पे तो उससे मुझे इस कनेक्टेड कंपोनेंट की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी सी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा पी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा या तो फिर उल्टा भी कर सकते हैं इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्जर्व करें तो पी को डिक्रीजिंग में ऑब्जर्व करेंगे अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि इज इट पॉसिबल टू for any connected component with any configuration to exchange the elements with any number of operations such that कि C का decreasing order है उसी order में मुझे P increasing मिल जाए मतलब कि क्या इस तरह से एक्सचेंज करना एलिमेंट्स को पॉसिबल होगा फॉर एनी कनेक्टेड कंपोनेंट तो आंसर इज यस कैसे इसको हम सिंपली अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे हम जैसे कि यहाँ पे मुझे पता है कि भाई वन है आ, वो है यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है तो P में जो फोर्थ मिनी फोर्थ मिनिमम एलिमेंट होगा मतलब कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करूँ तो जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो मुझे यहाँ पे चाहिए तो वो मैं पहले यहाँ पे रख दूँगा और फिर इसको डिसकनेक्ट कर दूँगा आप समझ रहे हो एक कनेक्टेड कंपोनेंट है उसमें जो भी लीफ एलिमेंट्स है वहाँ पे मुझे जो वैल्यू चाहिए वो उनको दे के कट कर देंगे ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पी पी uh, सिक्स is less than पी थ्री इज लेस देन पी वन इज लेस देन पी फोर क्या क्या गया वन थ्री सिक्स और p5 ठीक है तो अब जितने भी लीव कंपोनेंट हैं उनको हमें पहले वैल्यू देनी है और फिर उसको डिस्कनेक्ट और अज्यूम करना है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं वन से स्टार्ट करूँ तो वन में मुझे क्या चाहिए वन uh, में मुझे जैसे कि C1 है वो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है तो मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे पता है P4 है तो इनिशियली यहाँ पे P1 होगा यहाँ पे P3 थ्री यहाँ पे पी फोर यहाँ पर पी फाइव और यहाँ पे P6 तो P4 और P3 को मैं एक्सचेंज कर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा P3 थ्री यहाँ पर आ जाएगा P4 फिर P4 और P1 को एक्सचेंज कर लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा पी फोर यहाँ पे आ जाएगा पी ठीक है अब मुझे फर्स्ट पोजिशन सी के साथ पी चाहिए था अब मैं इसको कट कर दूंगा मतलब कि इसको निग्लेक्ट कर दूंगा इसको अब हम नहीं छेड़ेंगे तो अब लीफ एलिमेंट है ये और ये अब फाइव थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट तो इसके साथ मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए मतलब कि पी वन तो यहां पे पी फाइव है यहां पे पी वन है इन दोनों को एक्सचेंज किया है यहां पर आ गया पी वन यहां पर आ गया पी फाइव अब मैं इसको कट कर दूंगा इसको मैं अज्यूम करूंगा कि ये कट हो गया अब लीफ एलिमेंट है ये और ये ठीक है हम लीफ एलिमेंट्स को क्यों पहले टारगेट कर रहे हैं ताकि उन तक जो भी वैल्यू पहुंचानी है वो हम एज के थ्रू पहुंचा देंगे और फिर उनको कट कर देंगे तो बाकी जितने भी बचे क्योंकि अब उनका कुछ काम नहीं है उनको जो वैल्यू चाहिए वो मिल गई तो एज के थ्रू वहाँ तक वैल्यू पहुँचा के कट कर दिया अब मान लो पहले मैं इसको फिल करता तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाता इसको निकालने के बाद फिर यहाँ की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ पाती अब पी और पी है तो यहाँ ये कौन सा है बेसिकली थ्री तो C3 थ्री इज़ द लार्जेस्ट तो उसको P6 चाहिए बिकॉज वो स्मॉलेस्ट है तो P6 सिक्स यहाँ पर है तो P6 और P3 को एक्सचेंज किया तो P3 थ्री यहाँ पर आ गया P6 सिक्स यहाँ पर आ गया P6 सिक्स और P5 को एक्सचेंज किया तो P6 सिक्स यहाँ पर आ गया P5 फाइव यहाँ पर आ गया तो थर्ड पोजिशन C3 के क्या साथ क्या आ गया P6 सिक्स आ गया इसको भी कट कर दिया अब ये दोनों बचे हैं या तो एक्सचेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा C4, फोर सी फोर कहाँ पर है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके साथ P5 फाइव चाहिए उसके साथ P5 फाइव ऑलरेडी है और uh, C6, सिक्स सी सिक्स सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसके साथ P3 थ्री चाहिए वो भी है ठीक है तो ये जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिल गया तो ये हमारा काम हो गया ठीक है तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट को कंक्लूड करता हूँ कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी देखते हैं कंसेप्ट ये कंक्लूड करता हूँ कि जितने भी हमारे पास एजेस uh, की मदद से एक ग्राफ हम बनाएंगे उस ग्राफ के इंडिविजुअल कनेक्टेड कंपोनेंट्स की वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे क्योंकि उनको और दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट्स में हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते एक्सचेंज नहीं कर सकते इंडिविजुअली मिनिमाइज करेंगे और उनका समेशन लेंगे तो वो भी ओवरऑल मिनिमम मिलेगा इंडिविजुअली मिनिमाइज कैसे करेंगे उनमें इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उनमें सी का ऑर्डर लेंगे पी का ऑर्डर लेंगे सी को इंक्रीजिंग रखेंगे पी को डिक्रीजिंग रखेंगे या तो फिर सी को डिक्रीजिंग रखेंगे पी को इंक्रीजिंग रखेंगे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे ऐसा हम सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए करेंगे आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं थोड़ा बहुत डाउट हो, हो जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा नाउ बिफ मूविंग ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन बट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन एक्टेक कंपनी है जो कि फुल स्टेक डेवलपमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करती है जो स्टूडेंट न्यूटन स्कूल में एनरोल्ड हुए हैं वो एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में अभी प्लेस है यू कैन गेट द ट्रेनिंग ईयर फॉर फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स एंड गेट प्लेड टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड कैन गेट अ प्लेसमेंट ऑफ एनी वेयर बिटवीन फाइव एल पी है अप टू फोर्टी एल पी है और बेस्ट थिंक ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है विच मीन्स कि आपको फाइव एल पी ए या उससे ज़्यादा की प्लेसमेंट ना मिलते तो

उनकी हम सी और पी वैल्यू निकालेंगे उनको एक को इंक्रीजिंग और एक को डिक्रीजिंग में रखेंगे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट की इंडिविजुअली मिनिमम वैल्यू मिल जाए और फिर उनका समेशन ले लेंगे तो इसके लिए मुझे क्या किया चाहिए पहले तो मैं एक बुलियन एरे लूंगा वी जो कि डी एफ एस लगाते टाइम मुझे पता चलेगा कि ये नोड विजिटेड है कि नहीं उसके अलावा मेरे पास एक मैं वेक्टर एरे लूंगा ये एल एल लॉन्ग लॉन्ग है ऑफ एन प्लस वन साइज इसमें एडजस्टमेंट से लिस्ट टोड होगी वो कैसे बनाते हैं वो आप कमेंट में कोड प्रोवाइड किए इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे इसके अलावा मुझे क्या चाहिए मेरे पास पी एरे है मेरे पास सी एरे है, है अब मैं एक स्टैक ले लूँगा ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि एक कनेक्टेड कंपोनेंट जब मैं डी की मदद से उसमें ग्राफ में रन करूंगा, ठीक है डी एक ट्रावर्स करूंगा एक कनेक्टेड कंपोनेंट को तो उनके जो भी इंडेक्सेस होंगे उनको मैं स्टेक में स्टोर कर लूँगा फिर उन इंडेक्सेस कि जो भी पी वैल्यू है उनको मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करूंगा और उन इंडेक्सेस की जो सी वैल्यू है उनको मीन प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करूंगा और फिर उन प्रायोरिटी क्यू में से एक के बाद एक एलिमेंट्स निकालूंगा दोनों में से मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर में ऐड करता जाऊंगा जिससे कि पी की मैक्सिमम वैल्यू सी की मिनिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और ओवरऑल हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी फॉर वन कनेक्टेड कंपोनेंट और जब हम समेशन लेंगे फॉर ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो ओवरऑल भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो मैं स्टेक लूंगा क्यू जिससे कि जब मैं डी रन करूँगा तो जितने भी कंपोनेंट्स में ट्रावर्स करूँगा तो मैं स्टैक में उनके इंडाइसिस स्टोर कर दूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस कनेक्टेड कंपोनेंट्स के इंडाइसिस ये ये है ठीक है तो ये हो गया एक आंसर वेरिएबल ले लूँगा जीरो एक प्रायोरिटी क्यू होगी प्रायोरिटी क्यू एल इसका नाम मैं देता हूँ हूं pq क्योंकि इसमें मैं p की वैल्यू स्टोर करूँगा ये क्या है मैक्स प्रायोरिटी क्यू फिर एक मिन प्रायोरिटी क्यू मैं ले लेता हूँ मैं बिकॉज़ c++ यूज किया है कोड में तो मैं यहाँ पे उसके फॉर्मेट में लूंगा कैसे आता है ll then vector ll and then greater ll ठीक है इसको मैं cq नाम दे दूंगा बिकॉज़ इसमें मैं c की वैल्यू स्टोर करूंगा ठीक है अब फॉर आई इक्वल टू वन आई एस लस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस इफ विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू इक्वल टू फॉल्स अगर आई विजिट होना बाकी है तो जो कनेक्टेड कंपोनेंट आई को होल्ड करता है उस कनेक्टेड कंपोनेंट के सारे इंडेक्सिस मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा डीएफएस आई ठीक है इस इंडेक्स में डीएफएस लगा दूंगा अब डीएफएस फंक्शन क्या होगा वह मैं यहां पर लिख देता हूँ डी एफ एस आई तो सबसे पहले तो विजिटेड ऑफ आई को मैं ट्रू मार्क कर दूंगा फिर एल इक्वल टू एडजेंसि लिस्ट ऑफ़ आई डॉट साइज ये मैं ले लूँगा फिर फॉर जे इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन एल जे प्लस प्लस जो भी आई के एडजसेंट एलिमेंट है उनको इफ विजिटेड ऑफ लिस्ट ऑफ आई और उसमें जेथ एलिमेंट ठीक है ये अगर फॉल्स है मतलब कि उसका जो जेथ है कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है वो विजिट नहीं हुआ है तो मैं डीएफएस लगाऊंगा और रिकर्सिवली मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ट्रावर्स करूंगा और एक चीज जब भी मैं डीएफएस के अंदर आऊंगा तो मैं जो स्टैक है उसमें ये इंडेक्स पुश कर दूंगा ठीक है तो ये मेरा डीएफएस हो गया तो इससे क्या होगा जब भी मान लो आई वो विजिटेड नहीं है तो उससे कनेक्टेड उस, कनेक्टे जित, उस आई जिस कनेक्टेड कंपोनेंट का हिस्सा है उसमें जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो स्टैक में आ जाएंगे ठीक है तो अब मुझे क्या करना है मुझे उन इंडेक्सेस की मैक्स वैल्यूज जो है वो प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं वाइल्ड एस डॉट एम टी जब तक स्टैक एम टी नहीं है इक्वल टू इक्वल टू फॉल्स तो पी क्यू मतलब कि पी की जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें क्या पुश करना है पी ऑफ एस डॉट टॉप यह बेसिकली क्या करेगा कि ये जो इंडेक्स है जो मुझे स्टैक में मिला है स्टैक में एक कनेक्टेड कंपोनेंट के सारे इंडेक्सेस है तो उस इंडेक्स की पी वैल्यू को इस प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देगा सिमिलरली सी क्यू डॉट पुश सी ऑफ एस डॉट टॉप ठीक है अब एस डॉट पॉप स्टैक में से इस एलिमेंट को निकाल दो ठीक है तो ये काम हो गया अब यह लूप यहां पे खत्म कर दो ठीक है अब अब ये क्यू में जो एलिमेंट है पी में है वो क्या है सबसे ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट है और सी में सबसे छोटा एलिमेंट है ठीक है क्योंकि ये मैक्स प्रायोरिटी क्यू है ये मेन प्रायोरिटी क्यू है अब बस कुछ नहीं करना एक के बाद एक एलिमेंट निकाल के उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके आंसर में एड करना है सो so वाइल दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सी क्यू डॉट एम टी कुछ भी ले लो सी क्यू या फिर पी क्यू क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इक्वल टू इक्वल टू फॉल्स आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस सी क्यू डॉट टॉप इन टू पी क्यू डॉट टॉप सी क्यू डॉट पॉप पी क्यू डॉट पॉप ठीक है तो जब तक क्यू एम टी हो जाएगी तब तक एक का इंक्रीजिंग एक का डिक्रीजिंग तो दो एक का मैक्सिमम एक का मिनिमम फिर सेकंड मैक्सिमम सेकंड मिनिमम ऐसा मल्टीप्लाई करके आंसर में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ठीक है तो ये इस तरह से हो जाएगा अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बेसिकली डी लगाने में बिग ओ ऑफ एन लगता है लेकिन क्योंकि हम प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हैं तो उसमें जब हम एलिमेंट को ऐड करेंगे या रिमूव ऐड करेंगे तो वो लॉग एन होता है ठीक है तो एन एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे रिमूव करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हो जाएगी एन लॉग एन ठीक है और एन की वैल्यू है टेन की पावर फाइव तक तो ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा सो आई होप आपको क्वेश्चन कन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सॉल्यूशन कोड मैं काउंस में प्रोवाइड किया है थैंक यू